ये है महालक्ष्मी कंपनी का 32 एक्शन वाला चेसर, जो कि डायरेक्ट हमारे घरों की एसी लाइट से चलता है। आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि शादी ब्याह में घर के छतों से जो झालर की लड़ियां लटकी होती हैं उनमें बहुत सारे एक्शन होते हैं, कभी दाएं से बाएं, कभी बाएं से दाएं, और कभी दो दो के पेयर में आगे पीछे लड़ियां जलती हैं। तो आप अक्सर सोचते होंगे कि ये झालर किस तरह से लगाया गया है जिससे कि ये झालर की लड़ियों में एक्शन दिख रहा है, जबकि आप मार्केट से जो झालर की लड़ी खरीद कर लाते हैं तो उसमें कोई एक्शन नहीं होता है। तो उन झालर की लड़ियों में एक्शन लाने के लिए आपको इस तरह का एक चेसर चाहिए। तो इस चेसर को मैंने अमेजन से परचेस किया है, तो आज मैं आप लोगों को इसी चेसर का अनबॉक्सिंग, रिव्यू तथा टेस्टिंग दिखाऊंगा और दिखाऊंगा इस चेसर में हम झालर की लड़ियों का कनेक्शन कैसे करते हैं, और उसके बाद झालर की लड़ियों का पूरा 32 एक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस चेसर को बाहर निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा है 32 एक्शन 1 किलोवाट, ये 1 किलोवाट का चेसर है। चलिए पहले इसको निकालते हैं। देखिए ये है महालक्ष्मी कंपनी का 6 चैनल वाला चेसर। इसमें 2 स्विच दिया है, पहला स्विच है ऑन ऑफ तथा स्पीड कंट्रोल का। जब झालर की लड़ियाँ जलती हैं तो उनके एक्शन के स्पीड को कंट्रोल यानी कम या ज़्यादा करने के लिए ये स्पीड कंट्रोलर दिया है, और यहाँ पे एक्शन लॉक दिया है। यदि आप झालर की लड़ियों में ऊपर में दिया है 3 लाइन 8 एक्शन, यदि आप इस तरीके से ऊपर कर देंगे तो 1 2 3 शुरू के 3 झालर की लड़ियों में 8 एक्शन चलेगा, और यदि आप नीचे कर देते हैं तो इन 6 लाइनों में पूरा 32 एक्शन चलेगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पीछे साइड में दिया है कनेक्शन करने का। ये देखिए लिखा है सी यानी कॉमन। आप जितनी भी झालर की लड़ियाँ लगाएंगे, यदि आप 6 लगाते हैं तो सभी झालर की लड़ियों का एक एक पॉइंट इसमें देना है, यानी कॉमन पॉइंट इसमें देना है। पहले झालर की लड़ी का एक पॉइंट यहाँ देना है, दूसरे का यहाँ, तीसरे का, चौथे, पाँचवें, छठे, छठों का ऐसे दिया है। एक चैनल में आप 10 झालर की लड़ियाँ जला सकते हैं। यहाँ पे 6 चैनल दिया है, 6 चैनल का मतलब आप 50 से 60 झालर की लड़ियों को इसमें जोड़कर जला सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इस चेसर में झालर की लड़ियों का कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन करने के लिए मैंने पहले से ही झालर की लड़ियों को इस तरीके से ज़मीन पर बिछा दिया है। 1 2 3 4 5 6 झालर की लड़ियाँ हैं, तो हम 6 झालर की लड़ियों का इस चेसर में कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जितनी भी झालर की लड़ियां हैं सभी का एक एक पॉइंट हमें एक में जोड़ लेना है। उसके बाद इस चेसर में ये जो कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट में इन्हें हमें लगा देना है। ये लग गया कॉमन पॉइंट, पहला पॉइंट हम वहाँ से लेंगे, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, इस तरीके से हम जोड़ेंगे। तो पहले में ग्रीन है, तो इसमें से जो ग्रीन वायर है उस ग्रीन वायर को हम इस पहले पॉइंट में डालेंगे। दूसरे नंबर पे है ब्लू यानी नीला, तो हम दूसरे वाले में, देखिए दूसरा है तो दूसरे में हम नीला को डाल देते हैं। देखिए इसका कनेक्शन हो चुका है, सभी झालर का एक एक पॉइंट हमने कॉमन में जोड़ दिया है, और उसके बाद नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके सभी झालर को इसमें जोड़ दिया है। अब बारी आती है इसमें पावर देने की, तो पावर के लिए यहाँ पे 2 केबल दिया हुआ है जो कि हम अपने घर के बिजली के बोर्ड में लगाएंगे। देखिए अभी हमने इसके वायर को बिजली के बोर्ड में लगा दिया है, अब हम इसको ऑन करते हैं। और ये है इसका स्पीड कंट्रोलर, जितना हम इसे बाएं घुमाएंगे उतना ही धीमा होगा, और जितना ही दाएं घुमाएंगे उतना इसका स्पीड बढ़ेगा, देख सकते हैं। और जितना ही स्पीड बढ़ेगा ये जो झालर लगे हैं इनका भी स्पीड बढ़ जाएगा, देख सकते हैं। यदि हम स्पीड को कम करते हैं तो उसी के अनुसार इस झालर की लड़ियों का
स्पीड भी कम हो जाएगा। देखिए अभी इसका स्पीड नॉर्मल है, इसलिए ये झालर की रेडियो का स्पीड भी बिल्कुल नॉर्मल है। आपको जितना स्पीड में चलाना अच्छा लगता है उतने स्पीड में कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे तेज कर सकते हैं इस तरीके से, और यदि आप चाहें तो इसे बिल्कुल स्लो भी कर सकते हैं। देखिए ज़्यादातर स्लो में ही अच्छा लगता है। देखिए जब स्लो में चल रहा है तो इसके जितने भी एक्शन हैं वो सभी नज़र आएंगे, यदि आप स्पीड में कर देंगे तो इसके जितने भी एक्शन हैं वो इतने फास्ट हो जाएंगे कि किसी को नज़र ही नहीं आएगा कि इसमें कितना एक्शन है। देखिए कितना एक्शन आ रहा है, इसमें टोटल 32 एक्शन है। और यदि आप यहाँ देख लिखा है 3 लाइन 8 एक्शन, यदि हम इसे ऊपर कर देते हैं तो 1 2 3 केवल 3 ही चैनल चलेगा, और झालर की लड़ियों में भी केवल 3 ही झालर की लड़ियाँ जलेंगी, और 3 झालर की लड़ियों में टोटल 8 एक्शन चलेगा। देखिए 1 2 3 केवल 3 ही झालर की लड़ियाँ जल रही हैं। और यदि हम इसे नीचे कर देते हैं देखिए इस तरीके से, तो 6 झालर की लड़ियों में टोटल 32 एक्शन चलेगा। अभी तो हमने एक चैनल में केवल एक ही लड़ी लगाया है, आप चाहें तो एक चैनल में 10 लड़ी भी लगा सकते हैं, यानी 6 चैनल में टोटल आप 50 से 60 लड़ियों को लगा सकते हैं। और जब आप 50 से 60 लड़ियों को इस तरीके से एक साथ लगाएंगे तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा, और उन सभी लड़ियों में जब 32 एक्शन चलेगा तो देखने में और भी मज़ा आएगा, है कि नहीं। तो अभी आपने इस चेसर में कनेक्शन करना तथा स्पीड को कंट्रोल करना और झालर की रड़ियों को जलाना ये सब आपने सीख लिया है। तो यदि आपको भी ये चेसर चाहिए तो इस चेसर को ऑनलाइन बाय करने का लिंक मैं अपने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहें तो डायरेक्ट उस लिंक पर क्लिक करके इस चेसर को बिल्कुल सस्ते दाम में परचेज कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और जुगाड़ वाली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।